Hello dear learners, welcome back to Abhit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhit Siksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first poverty levels below 5% claims नीति आयोग. तो एक report आया है वो household expenditure का, तो उसको हम लोगों को देखना होगा. Second क्या है, Kerala capital sees massive turnout devotees for Athukal Pongala. ठीक है, तो ये prelims में directly पूछा जा सकता है what is Athukal Pongala. वो थर्ड क्या है, आज एडिटोरियल सेक्शन में अच्छा आर्टिकल मिला, दैट इज़ योर पैलेस्टाइन स्टेटहुड, इसराइल पैलेस्टीन वो जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर ये न्यूज़ आया. हम लोगों को देखना, हम लोगों ने पहले भी इसको कवर किया है बट एक बार और फिर से कवर करेंगे. फोर्थ क्या है, स्पेंडिंग ऑन प्रोसेस फूड एंड कम्यूट टू वर्क इंक्रीज. ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो डेटा आया है उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो पहला न्यूज़ देखते हैं. ऑलराइट, ठीक है, तो पहला न्यूज़ है कि हमारा जो है हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से जो है इंक्रीज़ हुआ है, और जो गैप है वो भी जो है डिक्रीज़ हुआ है. ठीक है, हमारे जो हाउस होल्ड जो गैप है उसमें भी हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है. जो अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड का जो गैप है ना वो भी नैरो डाउन होते हुए दिखाई, पहले गैप जो था वो वाइडन हो गया था बट नाउ इट हैज़ बीन नैरोड डाउन. ठीक है, तो सी ऑफ सेंटर्स थिंक टैंक दैट इज़ नीति आयोग, नीति आयोग के सी ई ओ कौन है ये आपको जानना होगा. BVR सुब्रमण्यम जी जो है, सुब्रमण्यम जी जो है वो आपके नीति आयोग जो है उनके चेयरपर्सन है. ठीक है, सीईओ है वो क्या है, चेयरपर्सन है. ठीक है, तो वो क्या है, जो सेंटर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे आया है उसमें ये पता चला कि ग्रोथ जो हुआ है दैट इज़ इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड वाइल अर्बन रूरल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ श्रिंकिंग. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने आपको वही बताया कि जो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहा है, उसका जो बेस है वो नैरो डाउन होते हुए आ रहा है. ठीक है, लेस देन 5% ऑफ इंडियंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन. तो लेस देन 5% जो है पॉपुलेशन वो अब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, एंड एक्सट्रीम डेस्टिट्यूशन हैज ऑलमोस्ट गॉन अवे. ठीक है, तो जो एक्सट्रीम डेस्टिट्यूशन था मतलब एकदम भुखमरी से लोग मर रहे हैं और बहुत वो जो है वो ऑलमोस्ट इट हैज गॉन अवे. ठीक है, वाई, बिकॉज द स्कीम्स हैव बीन सो लुक्रेटिव एंड द स्कीम्स हैज केटर्ड सो मेनी पीपल नॉट जस्ट इन अर्बन रूरल एरियाज बट ऑल्सो इन अर्बन एरियाज. ठीक है, तो जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया. ठीक है, और इन ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो हम लोगों ने जो है बहुत सारा जो है राशन जो है वो हम लोगों ने बंटवाया था. तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो परसेंटेज है पीपल जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल साइटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे दैट इज HCES. ठीक है, HCES जो है ये क्या है आपका, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. ठीक है, तो ये क्या देखने को मिला है हम लोगों को, इसमें रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिला, लोअर स्पेंड ऑन पल्सेज एंड सीरियल्स. ठीक है, जो लोग अब है क्या है पल्सेस और सीरियल्स पे थोड़ा कम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, विच ड्रॉप बिलो 5% पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट सर्वे एंड हायर एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंसेस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंज्यूमर सर्विसेज इंडिकेट दैट पीपल आर अर्निंग मोर एंड नीड टू स्पेंड अ लेसर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड. ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि अगर एक फैमिली है, इफ फैमिली है, पहले क्या करते थे वो लोग ज़्यादा फूड पे स्पेंड करते थे. ठीक है, ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे, फूड पे स्पेंडिंग करते थे. उनका परसेंटेज जो रेशियो रहता था वो क्या रहता था कि फूड पे वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. बट अब क्या देखने को मिला है कि अब हायर एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ देखने को मिला, जैसे कन्वेयंसेस हो गया, कंज्यूमर कोई सर्विस हो गया, कंज्यूमर कोई ड्यूरेबल्स हो गया, ड्यूरेबल्स इन द सेंस लाइक वॉचेस, टीवीज, फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब जो है ड्यूरेबल्स जो होता है वो ज़्यादा वो लोग परचेज कर रहे हैं. ठीक है, और ये हम लोगों को देखने को मिला. और फूड अब क्या कर रहे हैं पीपल जो है दूसरे सर्विसेज वगैरह भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और उनका जो कंजम्पशन जो मतलब कंजम्पशन कम नहीं हुआ है बट शेयर ऑफ कंजम्पशन कम हुआ है. मतलब अब क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि फूड इज़ इजीली एक्सेसिबल इन द मार्केट, तो उसका परसेंटेज जो है खर्चा कहाँ हो रहा है, बेसिकली एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा है, आप कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. पहले क्या होता था कि हम ज़्यादातर अपना खर्चा जो है फूड के ऊपर, क्योंकि फूड इस तरीके से ये बोलना चाहते हैं कि फूड पहले जो है एक्सपेंसिव हुआ करता था, इसीलिए हम जो है दूसरे चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं करते थे लाइक योर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट. बट अब क्या है, फूड सस्ता हो गया इसीलिए उसका जो परसेंटेज है वो कम हो गया है, और कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है उस पर हम ज़्यादा अब फोकस कर रहे हैं, सर्विसेज जो है हम ज़्यादा बाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये उन्होंने बोला. चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है, हमारे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो क्या है, एक क्विनक्विनेलियन मतलब 5 साल में एक बार जो है ये सर्वे जो है कंडक्ट किया जाता है. कौन करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO जो है ये जो है कंडक्ट कराता है.
इट इज डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न. हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे हाउस होल्ड में क्या खर्चे हो रहे हैं वो हमें देखने को मिलता है अक्रॉस द कंट्री बोथ रूरल एंड अर्बन. ठीक है, द डेटा गैदर्ड इज एक्सरसाइज रिवील्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फूड एंड नॉन फूड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इट हेल्प्स टू जनरेट एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, हम मंथली पर इंसान किस चीज पे जो है एक्सपेंडिचर करता है, एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड्स एंड पर्सन ओवर द एमपीसीई क्लासेस. ठीक है, तो ये जो है हमें एक हाउस होल्ड का जो है डेटा बताता है, बिकॉज अल्टीमेटली हाउस होल्ड जो कंजम्पशन होगा, हाउस होल्ड जो सेविंग्स होगा, वही जो है इन फ्यूचर जाके जो हमारा ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस पर हमारा इट विल मार्क. ठीक है, वो जो है शाइन करेगा कि किस तरीके से वेदर और नॉट वी आर सेविंग. हम क्या कर रहे हैं, सेविंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम क्या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा. साथ ही हमें पता चलेगा किस में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, फूड पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर ड्यूरेबल्स खरीद रहे हैं. ठीक है, तो ये हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि व्हाट इज़ द नेचर, क्या किस तरीके का जो है नेचर है, आप मार्केट में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव जो हम बोलते हैं. तो वो हमें इस ऐसे डेटा से हमें पता चलता है कि लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं. जैसे डेटा में आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा होता है इन द मेडिकल, जो मेडिकल में जाके हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हम जो है हेल्थ पे जो है हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए. अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हाई है तो हमें यहाँ पे कुछ स्कीम्स जो है लाना होगा कि हम किस तरीके से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें. तभी आपको पता होगा हमने आयुष्मान भारत जो स्कीम लाया, जो आयुष्मान भारत है वो इसी के रिगार्डिंग हमने लाया, राइट. तो ये पर फैमिली 5 लाख रुपीस जो है पर फैमिली जो है वो हमें दिया जाएगा अंडर आयुष्मान भारत स्कीम. तो इस तरीके का स्कीम्स जो है, ये ऐसे डेटा जो कलेक्ट होता है ना उसके थ्रू हमें पता चलता है और हम उस तरीके से स्कीम्स जो है फॉर्मुलेट देखते हैं कि फॉर्मुलेशन हो रहा है. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत एसेंशियल टॉपिक था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केरला कैपिटल सीज अ मैसिव टर्नआउट ऑफ डिवोटीज इन अत्तुकल पोंगला. ठीक है, अत्तुकल पोंगला क्या है, एक अत्तुकल पोंगला जो है ये क्या है, एक एक पूजा है. ठीक है, एक पूजा है जो केरलाइट्स है वो जो है वो पूजा को करते हैं. ठीक है, ये क्या है, अत्तुकल पोंगला जो है ये जो उनके देवी है, उनके जो भगवान है, अत्तुकल भगवती जो टेम्पल है वहाँ पर ये पूजा जो है किया जाता है. ऑफन डब्ड एज विमेन्स सबरीमाला. ठीक है, ये याद रखिएगा, विमेन्स सबरीमाला किसको बोला जाता है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विमेन सबरीमाला जो है किस फेस्टिवल को बोला जाता है, वो आपको किस मंदिर को बोला जाता है, अत्तुकल भगवती टेम्पल जो है उसको विमेन का सबरीमाला भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है आपको याद रखना है, वुमेन जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है खाना पकाती है. यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑफरिंग क्या किया जाता है, अ स्वीट पुडिंग मेड अप ऑफ एक छोटे जो खीर टाइप जो है पुडिंग बनाया जाता है, राइस, गुड़ जो जेगरी है, ग्रेटेड कोकोनट जो कोकोनट होता है, एंड घी एंड बनाना, एंड इज प्रिपेयर्ड इन अर्दन पॉट, जो मिट्टी का जो पॉट्स होता है उस पर यह बनाया जाता है. द प्रिसाइडिंग डेटीज अत्तुकल भगवती जो है इज सेट टू बी अ डिवाइन इनकारनेशन ऑफ कनक की. ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ तमिल एपिक सीलापद्धिकरम. ठीक है, तो सीलापद्धिकरम जो है आपको पता होगा कि इलांगो एडिगल जी जो है उनकी जो है एक बुक है, बहुत फेमस तमिल एपिक है. ठीक है, उसका नाम क्या है, सीलापद्धिकरम. ठीक है, उनमें जो है प्रोटैगनिस्ट थी कनक की. ठीक है, कनक की जो थी इस पर प्रोटैगनिस्ट थी, जो मेन कैरेक्टर थी, तो उनका जो है एक रूप बोला जाता है अत्तुकला भगवती जी को. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिला होगा सीलापद्धिकरम, ये किन्होंने लिखा है, इलांगो ILANGO इलांगो एडिगल. ठीक है, इनके द्वारा जो है ये किताब जो है लिखा गया है. ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, द लोर, ये कहानी किसके ऊपर है ये भी देख लीजिए. द लोर इज दैट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मदुरई टू अवेंज द इनजस्टिस डन टू हर हस्बैंड कोवलन, कनक्की रिस्ट केरला एंड टू क्रेस्ट एट अत्तुकल वाइल हर वे टू कोदुंगलूर. ठीक है, तो ये क्या स्टोरी, अगर आपको आपने थोड़ा पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है स्टोरी जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो कोवलन है और कनक की जो है वो लोग मद्रास जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है इनके ऊपर जो है एक्चुअली जो कोवलन और कनक्की जी जो है वो जाते हैं मद्रास में. पहले वो केरला में रहते थे, बाद में वो क्या चले गए, मद्रास जो है वहाँ पर चले गए. और वहाँ पे क्या हुआ, इनको जो है इनजस्टिस, मतलब उनके ऊपर जो है आई थिंक कुछ इंजाम लगा दिया गया था, गलत इंजाम लगा दिया गया, और उनको जो है डेथ पेनल्टी जो है वो अनाउंस किया गया बाय द किंग. तो इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कनक्की जी जो है अपने पति के लिए, उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ उसके लिए उन्होंने क्या क्या बदला लिया, मद्रास शहर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. इसके जब वो डिस्ट्रॉय करके वापस आ रही थी
थी, तो उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अत्तुकल में जो है वहाँ पे रेस्ट किया था, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो अत्तुकल भगवती टेम्पल जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये अत्तुकल पोंगल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में, और अत्तुकल भगवती टेम्पल को विमेन सबरीमाला भी बोला जाता है, ठीक है। पोंगला इज अ 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ अत्तुकला भगवती जी, ठीक है। द फेस्टिवल कमेंसेस विथ म्यूजिकल रेंडरिंग ऑफ स्टोरीज गॉडेस कनक्की चरितम, ठीक है, ड्यूरिंग कप्पू किट्टू सेरेमनी, ठीक है। द स्टोरी इन्वॉक्स द प्रेजेंस ऑफ कोडनगलूर भगवती एंड स्लेइंग द पांड्यन किंग, ठीक है। उस समय जो है पांड्या जो थे, वंश जो था वो मद्रास के वहाँ पे जो है रूल कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उनका विनाश कर दिया। दिस फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल बाय स्लेइंग द पांड्यन किंग, ठीक है। तो ये स्टोरी था, सो ये मैंने आपको बताया, ये आपको यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स जो है वो याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीडिस्कवरिंग द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ठीक है। तो पैलेस्तीन में जो है आपको पता होगा कि वॉर जो है ये लड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है चार्ट जो है ये हमें समझना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टोरी शुरू होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसके बारे में, जो हमारा इज़राइल पैलेस्तीन वॉर अभी 2023 में जो है उनका वॉर शुरू हुआ था। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या सिंगल स्टेट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, या फिर आप जो है टू स्टेट थ्योरी ला रहे हैं, इज़ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है दे आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन देयर राइट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इज़राइल जो है इज़राइल जब आपका ड्यूरिंग 1917 एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, बालफोर डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ, ठीक है। बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। बालफोर डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि ऐसा बोला गया कि ये जो पैलेस्तीन का टुकड़ा है पहले ये ब्रिटिश के अंदर था, बट इन्होंने हाफ कर दिया, एक साइड इज़राइल को दे दिया, एक साइड पैलेस्तीन को दे दिया, और बीच में रह गया जेरूसलम। अब आपको पता है जेरूसलम जो है ये तीन जो है रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सबसे पहले ज्यूस, फिर क्रिश्चियंस, और फिर आपके तीनों जो आपके इस्लाम धर्म है उन तीनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है हिस्सा है जेरूसलम, ठीक है। तो अब ना इज़राइल चाहते हैं कि जेरूसलम को दे, ना पैलेस्तीन चाहता है जेरूसलम को दे, और पैलेस्तीन के साथ अरब जो कंट्रीज है ना उन सबका साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पहला जो है यहाँ पे क्या हुआ, बालफोर डिक्लेरेशन में ऐसा बोला गया, याद रखिएगा 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन जो है वो देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद 1947 में जो है पार्टीशन हो गया, ठीक है, इनका जो है पार्टीशन हो गया दोनों का, बट यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का जो है हुआ नहीं, ठीक है, हम कोई एक रेजोल्यूशन पे आ नहीं पाए, इसीलिए क्या हुआ, अरब इसराइली वॉर जो हुआ ये हो गया, ठीक है। तो अरब इसराइली वॉर जब हुआ तो इसमें इसराइल जीत गया था ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या हुआ, पैलेस्तीन को उन लोगों ने भगा दिया था, ठीक है। बट उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीजन हो गया था, ठीक है। पहला तो स्टेट ऑफ इसराइल हो गया था, जो प्रेजेंट डे आपको ये देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक गाजा जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, उससे पहले क्या था कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है ये अरब का हो गया, आपका इसराइल का हो गया था। बाद में जब ये वॉर लड़ा तो उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, वेस्ट बैंक अलग हो गया, गाजा अलग हो गया, बीच में जो बचा दैट वाज इसराइल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा, क्योंकि वॉर से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि इजिप्ट वर्सेस इसराइल, इसको हम फर्स्ट अरब वॉर भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट अरब वॉर, ठीक है, या फिर आप इसको सिक्स डे वॉर के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिक्स डे वॉर जो है आपको न्यूज़ में बहुत बार मिलेगा, 1967 में जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, इसराइल इस बार भी बहुत ज़्यादा विक्ट्री जो है उनको हाथ लगा, और उन्होंने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला जो है ये किसके कंट्रोल में, वैसे इजिप्ट के कंट्रोल में है, बट सिनाई पेनिनसुला को उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल में ला लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में जो है पीस जो नेगोशिएशन है वो शुरू हुआ। यहाँ पे कैंप डेविड अकॉर्ड जो है एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिएगा, कैंप डेविड अकॉर्ड जो है ये साइन हुआ था किसके बीच में, इजिप्ट और किसके बीच में, इसराइल के बीच में, ठीक है। कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था इजिप्ट और इसराइल के बीच में, जिसमें पेनिनसुला जो है सिनाई पेनिनसुला जो है इसको उन्होंने वापस कर दिया था, ठीक है। इसराइल ने कवर पूरा कैप्चर कर लिया था सिनाई पेनिनसुला को, बट बाद में इजिप्ट को उन्होंने वापस कर दिया इन दी कैंप डेविड अकॉर्ड, ठीक है। उससे पहले भी एक योम किप्पुर वार भी हुआ था, योम किप्पुर, ठीक है, ये भी वार हुआ था, ये किसके बीच में था, इजिप्ट वर्सेस
इसराइल, ठीक है, ये हुआ था योम किप्पुर वॉर था, ठीक है, उसके बाद कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो है फिर से जो है वॉर के ऊपर वॉर लड़े गए थे। एक 2020 में पीस अकॉर्ड, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड भी बोलते हैं, वो भी जो है इनिशिएट किया गया था बाय यूएस, ठीक है, यूएस ने मेडिएशन किया था, बट उसके बाद भी जो है इस कैम्प डेविड अकॉर्ड के बावजूद भी जो है यहाँ पे कोई भी हमें एक सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद 2023 में अल अक्सा फ्लड जो है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है, ये किसने किया? हमास ने किया, ठीक है, हमास ने क्या किया? अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड जो है, ये ऑपरेशन जो है सरप्राइज अटैक ऑन इसराइल जो है उन्होंने किया, और इसराइल ने क्या किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो अभी भी चल रहा है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, आयरन स्वॉर्ड, ये क्या है, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? इट इज़ अ स्टेट ऑफ वॉर नाउ, और उसके बाद वो इनसेसेंट जो है फायरिंग अटैक्स जो है वो करते हुए जा रहे, करते हुए ही जा रहे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है हमें देखना होगा, ठीक है, यहाँ का बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, वो आपको जानना होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब आईमैक पढ़ा था तो आपको एक पोर्ट के बारे में मैंने बोला था देखने को, हाइफा पोर्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइफा पोर्ट, ठीक है। आप देखिए वेस्ट की तरफ जो है, वेस्ट की तरफ, इसराइल के वेस्ट की तरफ क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है मेडिटेरेनियन सी की तरफ नहीं खुलता है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो है पहले, तो सबसे पहले आपको लोकेशन देख लेना है, मेडिटेरेनियन सी के जो है इसराइल के वेस्ट में है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। गोलन हाइट्स जो है ये सीरिया का हिस्सा है, ठीक है, इसको भी कंट्रोल पे ला दिया था उन्होंने, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला जो है प्रेजेंट डे इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है, इजिप्ट का पार्ट है। यहाँ पे जो है तेल अविव, देखिए पहले ये कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, ये देखिए ये जो पट्टी है ना, इसको हम गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गाजा स्ट्रिप के पास जो है ये जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं रफा बॉर्डर, रफा बॉर्डर, इसके बारे में भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, ठीक है, ये रफा बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उनके जो है वेस्ट बैंक के पास जो है यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलेगा, डेड सी, ठीक है। और जो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सेलाइन वाटर है, इसीलिए यहाँ पे डेड सी, मतलब आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो आप कभी भी फ्लोट, मतलब सिंक नहीं करेंगे, हमेशा आप फ्लोट करेंगे, इतना ज़्यादा सेलाइन जो है कंटेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिया ने हमेशा जो है आपका टू स्टेट थ्योरी जो है उसको हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, टू स्टेट थ्योरी जो है हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, बिकॉज हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आप जो है इसराइल को अलग देखें, इसराइल को अलग, हम कभी भी नहीं चाहते कि इसराइल और पैलेस्तीन को आप एक साथ देखें, क्योंकि उनके एस्पिरेशन अलग है, उनके एस्पिरेशन अलग है, उनके डिमांड्स अलग है, उनके जो है उनके मांग अलग है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि आप हमेशा इसराइल और पैलेस्तीन को टू डिफरेंट एंटिटीज़ के रूप में देखें, टू स्टेट के रूप में देखें, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि मतलब ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, टू स्टेट थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी किसके रिगार्डिंग है, ये हमेशा याद रखना है। ये टू स्टेट थ्योरी जो है हम इसराइल और पैलेस्तीन के केस में हम बोलते हैं, क्योंकि दोनों अलग एंटिटीज़ हैं, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहेंगे, सिंगल स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। व्हाई? बिकॉज अगर हम दे देते, अभी आप देखिए हम एक ही कंट्री के बॉर्डर में, बॉर्डरिंग एरियाज़ में ही अगर इतना फाइट्स हो रहे, इतने वॉर्स हो रहे, तो सिंगल स्टेट जो है ये होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इसराइलीज डोंट वांट पैलेस्तीनियंस, एंड वाइस वर्सा, पैलेस्तीनियंस ऑल्सो डोंट वांट इसराइलीज इन देयर लैंड, ठीक है। तो इसीलिए हमें दोनों एंटिटीज को सेपरेट करके देखना होगा, हमें इनके बीच में जो है हाइफन लगा के हमने इनको देखना होगा, हमें इनको समझना होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टू स्टेट थ्योरी, दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग एस्पिरेशंस है। इंडिया हैज ऑलवेज ऑलवेज कंडेम्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज, बट ऑलवेज सपोर्टेड टू स्टेट थ्योरी एंड ऑलवेज सपोर्टेड मेडिएशन, बातों के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू आप बात करिए, बिठाइए दोनों को साथ में, एंड देन आप जो है इनमें मेडिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या जो है डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है, पैलेस्तीन को क्या क्या हिस्सा मिला था? वेस्ट बैंक मिला था, गाजा मिला था, और ईस्ट जेरूसलम जो है दिया गया था, और इसराइल का बाकी एरिया था एंड द वेस्ट जेरूसलम, बट अब जो है पूरे एंटायर जेरूसलम को जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये टू स्टेट थ्योरी जो है ये इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में है, ठीक है। एंड यस, वी वर टॉकिंग कि India has always condemned terrorist activities of Hamas, and because why? Because in हमारा जो strategic partner है Israel, ठीक है, Israel is our strategic partner, but UN में भी India has condemned Israel कि किस तरीके से जो है humanitarian crisis जो है उसके ऊपर we have always
टुक अ स्टैंड, हम लोगों ने हमेशा जो है स्टैंड लिया है, जो इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पर, बच्चों को जो है मारा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वी हैव ऑलवेज रिजन आर वॉइस. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा. ऑलराइट, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. मैंने आपको यहाँ पे पूरा लोकेशन और पूरा जो है स्टोरी जो है वो आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है. ये लोकेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा है. इसराइल किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेबनन आपको देखने को मिलेगा, जॉर्डन आपको देखने को मिलेगा, सीरिया आपको देखने को मिलेगा, इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए लास्ट न्यूज़ देखते हैं, स्पेंडिंग ऑन प्रोसेस्ड फूड एंड कम्यूट टू वर्क सर्जेस. ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो स्पेंडिंग है प्रोसेस्ड फूड में और जो हमारा कम्यूटेशन टू वर्क है ना, यहाँ कहीं से और कहीं जाना, उसमें हमारा खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये सिमिलरली जो हम लोगों ने फर्स्ट भी जहाँ पे बात किया था, सेम ही न्यूज़ का कंटिन्यूशन है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ कि फूड कंजम्पशन पैटर्न्स जो है उसमें हमें चेंज देखने को मिला है. कैसे, अब हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, कुक्ड फूड को हम कम कंज्यूम कर रहे हैं. और क्योंकि अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि हम क्या है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जो है वो बन रहे हैं, जो हमारे घर में जो है खाना पहुंचा रहे हैं. ठीक है, डिलीवर फूड डिलीवर कर रहे हैं, जो जैसे बहुत सारे कंपनीज है ना जो आपको घर पे खाना पहुंचा रहे हैं, एग्जांपल स्विगी जोमेटो, और साथ ही जो सब्जियां है वो भी हमें पहुंचाते हैं ना. तो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो है वो हमें देख रहा है कि वो धीरे धीरे जो है चेंज होते हुए जा रहा है. जैसे हम क्या है, प्रोसेस्ड फूड जो है, रेडी टू ईट, FMCG जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है वो सब जो है हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे कि कुक्ड मील हो गया, पोहा वगैरह जो होता है बॉक्सेस में आता है, वो हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगे. बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट, रिड्यूसिंग मनी स्पेंट ऑन होम कुक्ड फूड. दिस इज़ वेरी थोड़ा चिंता करने वाली भी बात है, क्योंकि इंडिया एज अ सोसाइटी वी हैव ऑलवेज बीन ईटिंग कुक्ड फूड. ठीक है, तो ये थोड़ा चिंता करने की बात है, बिकॉज प्रोसेस फूड में जो बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्वेटिव हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग सीरियल्स, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स. वाइल देर आर सटल वेरिएशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, द पैटर्न इज जनरल इज वैलिड अक्रॉस द रीजन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, बल्कि रूरल एरियाज में भी हमें ये पैटर्न देखने को मिला है कि कंजम्पशन पैटर्न में चेंज देखने को मिला है. अब जो है प्रोसेस्ड फूड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंगली द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन फ्रूट्स हैज़ रिजन सिग्निफिकेंटली. ठीक है, हम जो है बेट दिस इज़ गुड कि हम जो है फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. देर इज़ ऑल्सो बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन एग, फिश एंड मीट. ठीक है, तो सो वाइल द इंडियंस हैव डाइवर्सिफाइड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेज बाई स्पेंडिंग मोर ऑन न्यूट्रिशियस ऑप्शंस सच एज फूड, मीट, फ्रूट्स, मीट, दैट शेयर पेल्स इन कंपेरिजन टू अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोसेस्ड फूड. फिर भी जो है हमारा जो हैबिट जो है वो चेंज हो रहा है, बट फिर भी जो हमारा शेयर है प्रोसेस्ड फूड का वो ज़्यादा है. ठीक है, नोटेबली द शेयर ऑफ मिल्क, एडिबल ऑयल एंड स्पाइसेस इन टोटल एक्सपेंड हैज़ रिमेन ऑलमोस्ट सेम ओवर द ईयर्स. ठीक है, तो स्पाइसेस जो हम खरीदते हैं, जो हमारा मिल्क है, वो सब जो है वो सिमिलर ही रहा है, बल्कि बाकी प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है. ठीक है, दिस ट्रेंड पर्टेन ओनली टू द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इटसेल्फ हैज़ बीन रिड्यूसिंग ओवर द ईयर्स. ठीक है, क्या है कि जो हम फूड पे जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो जो है धीरे धीरे कम कर रहे हैं. वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, फूड पे कम कर रहे हैं, बिकॉज यस देर आर सर्टन की इन्फ्लेशनरी जो है चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है. साथ ही क्या है, अब हम दूसरे तरफ में जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है हमने भी डिस्कस किया, उस पर हम ज़्यादा स्पेंडिंग जो है हमें देखने को मिला है. बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज द शेयर ऑफ फूड इन टोटल एक्सपेंसेस रिड्यूसेस एंड इन नॉन फूड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड. वही जो अभी हम बात करें कि नॉन फूड एक्सपेंसेस जो है हमारा इंक्रीज हो गया है. ठीक है, द शेयर स्पेंड ऑन कंज्यूमर सर्विसेज अदर देन कन्वेंस सच एज हाउस हेल्प्स, टेलर्स, लॉन्ड्रीज, टेलीकॉम एंड इंटरनेट हैव ऑल्सो गॉन अप वेरी सिग्निफिकेंट. ये हम देख सकते हैं, जैसे हाउस हेल्प हो गया, अर्बन क्लैब जैसी अगर कंपनीज अगर यहाँ पे बन सकती है तो ये क्या है आपको देखने को मिलेगा, टेलर्स हो गया, लॉन्ड्री हो गया, टेलीकॉम हो गया, इंटरनेट पे तो हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं. वेर एज शेयर स्पेंड ऑन क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर हैव डिक्रीज. ठीक है, इस पे जो है हमारा कम हुआ है. नोटेबली द शेयर स्पेंट ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज टेलीविजन, हैंडबैग, यूटेंशियल्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स, कार एक्सेट्रा विच हैव बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. ठीक है, धीरे धीरे जो है इंक्रीज हुआ है, रिकॉर्डेड अ शार्प इंक्रीज इन 2023. ठीक है, द अमाउंट स्पेंड ऑन सिन गुड्स. सिन गुड्स क्या होता है, जो कोई गुड होता है जो आप वो खराब गुड होता है. सिन मतलब खराब होता है ना, तो जैसे सिगरेट्स हो गया, गुटखा हो गया, तो वो क्या है, सिन गुड्स है. आपको तो खराब करेगा बट आपके आसपास लोगों को भी जो है उसको भी वो खराब करता है, इफेक्ट डालता है. ठीक है, तो सिन गुड्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, और फिर भी
हायर टैक्स लगाने के बावजूद भी, आपको पता होगा ना, नेशनल क्लाइमेट कंटिंजेंसी फंड जो है उसमें हमारा जो है सिगरेट्स और जो अल्कोहल है और सिगरेट्स जो है वो उसका जो टैक्स जितना भी कलेक्ट होता है वो नेशनल क्लाइमेटी फंड में जो है वहाँ पे जाके सबमिट हो जाता है. ठीक है, तो सिन और पेगुवियन टैक्स जो है हम लगाते हैं. ठीक है, सिन टैक्स बोलते हैं आप इसको, सिन टैक्स. ठीक है, एंड पेगुवियन टैक्स जो है वो हम हमारा जो है NCCF जो फंड है उसमें वो चला जाता है. डिस्पाइट हायर टैक्सेस के बावजूद भी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है. दीज ट्रेंड्स आर ट्रू फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाउएवर अर्बन इंडियंस कंटिन्यू टू स्पेंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन रेंट, रूरल इंडियंस स्पेंड एन इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ दैट. ठीक है, द MPCE ऑफ अर्बन इंडियंस कंटिन्यू टू बी मच हायर देन दैट ऑफ द रूरल काउंटर पार्ट्स, बट द डिफरेंस रिड्यूस इन 2023 कंपेयर टू 2011 एंड 12. ठीक है, तो ये जो है करीबन 10 साल के बाद जो है ये डेटा जो है रिलीज़ किया गया है. 2011-12 जो है उसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने इसको मापने की कोशिश यहाँ पर की है. आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया. साथ ही जो कम्यूटेशन जो है उस पर भी इंक्रीज हुआ है. लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाके डेली जो अप डाउन मूवमेंट करते हैं वो उसमें जो है सर्ज हमें देखने को मिला. ठीक है, ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.